एशिया 7 क्या हुआ आज मेरी अपनी वीडियो मेरे अपने गले पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है आप दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज से काफी दिन पहले एक सेटअप किया था और सेटअप में मैंने 4 फुट सेंटर में वीडियो कॉल लगाई थी, वीडियो कॉल के साथ N++6 चला के आपको वीडियो जो है इसी चैनल पर अपलोड की थी, आप देख भी सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज उसी सेटअप को जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कामयाब नहीं होगा, तो वही सिचुएशन हुई है क्योंकि हमारे जो ये दूर दराज इलाके हैं, जो गाँव हैं, यहाँ नेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि मुतवातर चैनल चलते रहें तो नेट ब्रेक होता रहता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो आज उसी सिलसिले में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने सेंटर में एशिया सेट करनी है, साइड LNB पे जो है वीडियो कॉल और N++6। सिचुएशन ये है कि सेंटर जब मैं एशिया लगाऊंगा तो साइड LNB जो है वो वीडियो कॉल लगानी है, वीडियो कॉल N++6 के बाद लगानी है। तो मामलात जहाँ गड़बड़ हो सकते हैं कैसे कि उन्होंने देखनी है 11672 वाली फ्रिक्वेंसी और वो उस पर कार्टून चैनल आते हैं तो वो वाली फ्रीक्वेंसी के चांसेस बहुत कम है। तो उम्मीद काफ़ी है कि सिग्नल वीडियो कॉल का स्ट्रॉन्ग है, साइड में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, नहीं मिलता तो फिर उनकी किस्मत, अगर थोड़ा सा भी मिल गया तो आने वाले वक्त में जैसे मौसम चेंज होगा तो सिग्नल ठीक हो जाएगा। वीडियो में मज़ा आने वाला है, बेहतरीन वीडियो बनेगी, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। डिश पे मैं पहुंच चुका हूं, ये सेंटर जो है वीडियो कॉल है, साइड N++6 है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं इसके ऊपर। तो ये देखें तो यहाँ प्लेट जो है वो काटनी पड़ रही थी, तो प्लेट को बगैर काटे मैंने यहाँ इसको एडजस्ट कर लिया था। अब हमने करना क्या है कि इस पर AR7 अटैच करना है और ये दोनों सेटेलाइट भी चलानी है। स्विच हमारे पास ऑलरेडी है, हमें एक और तार चाहिए होगी और सेंटर में ये तार लगानी है। तो फटाफट पहले इसकी एंटी निकाल लेते हैं। वीडियो कॉन जो है ना 88 डिग्री, वो आपकी राइट साइड पे है और जब आप इसके साथ एशिया लगाएंगे सेंटर में तो आपको जाहिर सी बात है डिश को जो है आपके लेफ्ट साइड पे, डिश के पीछे खड़े होगी, बाएं हाथ की तरफ थोड़ा सा करना होगा और आपको एशिया का सिग्नल मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी इसकी वही है, AR7 वाली वो लगा लें, उस पर आपको सिग्नल जो है इसका ज़रा जल्दी मिल जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी यही है, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग यही चलती है एशिया वाली, तो इस पर सिग्नल जल्दी मिलेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फिर जिंग वाली फ्रीक्वेंसी लगा लें, और अगर नए हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी पड़ेंगी, फिर जाके आप इस तक पहुँचेंगे। तो आप AR7 वाली फ्रीक्वेंसी लगा के भी एशिया सेट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। ये फ्रीक्वेंसी लग गई है, ये आप देखें आपको नज़र आ रही होगी, और इस तरफ वीडियो कॉल की डिश जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे बिल्कुल डाउन हुई हुई है। हमने लेफ्ट साइड पे करके इसको अप करना है, यानी इतना ऊपर करके फिर हमने लेफ्ट साइड पे करना है। सिग्नल अभी जो है हमारे आ जाएंगे, थोड़ा सा इस तरफ करना है ऊपर, या इसको थोड़ा डाउन करेंगे डिश को इस तरफ करके। अब ये देख रहे पोजिशन इसकी बिल्कुल डिफरेंट है, ये जो है हमारी वीडियो कॉल इस तरफ थी, मैं आपको फिर डिश घुमा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे थी वीडियो कॉल ऐसे चल रही थी, ठीक हो गया, और एशिया जो है हमारी वो इस तरफ चल रही, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, सिग्नल हो जाएंगे मेंटेन। अब इसको मेंटेन करके आपको फुल सिग्नल दिखाता हूँ कितने आ रहे हैं। ये सिग्नल आपके सामने देखें आ चुके हैं, 56% सिग्नल जो है वो आ रही है, ये देखें आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे AR7 के। तो हमारा इशिया सेट हो गया, ये देखें अभी LNB एडजस्ट नहीं की, तो ये सिग्नल जो है हमारे फुल हैं। अब मजीद हमें सिग्नल नहीं चाहिए, अब हम यहाँ वीडियो कॉल सेट करेंगे, यहाँ N++6 पहले सेट करते हैं फिर वीडियो कॉल। अब ईंटें रख रहा हूँ इसमें, डिश हमारी जो है वो सेट हो चुकी है, अब जल्दी जल्दी इसमें ईंटें रख के इसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे वीडियो कॉल N++6 लगानी है। 2:30 बजे जो है वो पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ, वो देखना है, तो इसको ज़रा जल्दी करना होगा। अभी तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं तकरीबन, इसको फटाफट ख़त्म कर रहा होगा काम को। N++6 का तो तकरीबन दोस्तों को पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 11090 वर्टिकल 29500 जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जल्दी सिग्नल आ जाते हैं। और इसकी आम निशानी ये है कि जैसे जब इस तरह आपकी प्लेट लगी हो तो आपने दूसरे सुराख पे ऐसे LNB रखनी है, और ये आवाज़ सुने आप सिग्नल हमारे फुल आ चुके हैं। अब इसके साथ वीडियो कॉल जो है वो थोड़ी चैलेंजिंग है, वो थोड़ी मुश्किल सेटेलाइट है, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो हो सकता है ना आए या मुकम्मल चले, मुकम्मल चले की उम्मीद काफ़ी है, लेकिन ये हमारी चल चुकी है, तो इसको यहाँ पे फिक्स कर लें। गाइस ये लग गई हमारी N++6 और इसके ये आ गए सिग्नल,
ये आप देखें 73% जो कि काफ़ी हैं, बहुत हैं N66 के। N66 नहीं, ये DD-free डिश है, असल में ये 93 है, लेकिन N66 ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं, नाम इसका वही डिश टीवी वाला उन्होंने याद किया हुआ है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये भी नाम चलता है, DD-free डिश भी चलता है, दोनों ओके। तो ये लग चुकी है यहाँ पे, DD-free डिश भी तकरीबन ऐसे ही आती है, DD-free डिश अभी यहाँ मुकम्मल तौर पर फिट हो चुकी है हमारी। तो दूसरी अलन भी है, थोड़ी क्वालिटी वाइज इससे अच्छी है, तो अभी इस पे जो है हम फौरन सेट करेंगे वीडियोकॉन, और वीडियोकॉन तकरीबन इसके पास आएगी, थोड़ा सा इसने नीचे आना है वीडियोकॉन के लिए, वीडियोकॉन ने N66 ऊपर है तो वीडियोकॉन नीचे आएगी इसकी, यहाँ बराबर में नहीं आ सकती, बाज़ आयरन भी होती है कि वो बराबर में लगती है, ये नीचे इस तरफ जो भी आप लगाते आएंगे ना तो वो नीचे इस तरफ आती जाएंगी। ठीक ये है वीडियोकॉन की स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी जो आपको नजर आ रही है 11050 हॉरिजॉन्टल 30,000 ये देखें, और ये मैंने अंदाजे पे अलने भी जो है वो रखी हुई है, सेट की हुई है, अभी मैंने इसको प्रॉपर सेट नहीं किया। तो ये देखें यहाँ पे सिग्नल जो है इसके आ रहे हैं, ये आपको अलन भी नज़र आ रही होगी, तो जैसे ये नज़दीक होगी इस तरफ आएगी तो उसका सिग्नल जो है हमें मिल जाएगा, तो दोनों करीब आएंगी, दोनों अलन भी की पोजीशन भी सेम रहेगी, जैसे इसकी इस तरफ है इसकी भी इस तरफ ही होनी है। DD-free डिश N66 और बिल्कुल इसके साथ जो है ये VideoCon 88 लगी हुई है, VideoCon 88 पत्री जो है वो थोड़ी नरम है, इसलिए जी हिचकोले ज़्यादा खा रही है। बाकी आपको उसका सिग्नल दिखा देता हूँ, सिग्नल आप देखें तो ये 60-70 तक जा रहा है, अभी ये फ्रीक्वेंसी 11,64 वर्टिकल वाली लगी हुई है, और फ्रीक्वेंसी हम 11,672 वाली देख लेते हैं, उसका सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर ये आ रहा है तो समझे हमारी वीडियोकॉन जो है वो फुल ओके है, अगर नहीं आ रहा तो फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। तो ये 63 तक जा रहा है, थोड़ा सा मज़ीद इसको 7% बढ़ाना है, तो जो 70 तक गया तो हमारा काम जो है वो और भी आसान हो जाएगा, तो मैं मज़ीद इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ। सेंटर में हमारी वीडियोकॉन लगी हुई तो सिग्नल फुल आ रहा था, कोई इशू नहीं था, अब जब हमने इसको साइड पर लगाया थोड़ा बहुत इफेक्ट सिग्नल कम होना है हमारा, नेचुरल बात है, और ये देख मेंटेन भी हो सकता है, ये भी कोई इशू नहीं है, हमारी जो एरिया है ये कवरेज वाला है तो यहाँ ये हो सकता है। आप देखें हमारा सिग्नल जो है वो 71% पे पहुँच चुका है, 11,672 वाली फ्रिक्वेंसी ये आपको नज़र आ रही होगी वर्टिकल में जिसपे कार्टून लगते हैं, ये 71 पे पहुंच गया, अभी भी थोड़ा स्टेबल नहीं हो रहा, मतलब थोड़ी मजीद सेटिंग करनी पड़ेगी। एरन भी अगर हमारी नीचे की तरफ जा रही है, देखें इसका रुख जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एरन भी थोड़ी मजीद नीचे होती है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से नट खोल के इसको इस सुराख में एडजस्ट करके देखता हूँ, फिर थोड़ी सी एरन भी हमारी नीचे हो जाएगी, हो सकता है सिग्नल इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, तो अभी ये फटाफट करके देख लेते हैं। यहाँ तक सिग्नल बेहतर हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं 72% हो रहे हैं, नीचे फ्रिक्वेंसी भी आप देख लें, तो अभी नीचे जा कर देखेंगे कि मजीद इनका सिग्नल हमें मिलता है या नहीं, तो यहाँ पे ये 71-72 हो रहा है, तो ये LNB की पोजीशन वैसे ही है जैसे पहले थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे ये नहीं लग रही थी, बहुत नीचे चली जा रही थी और सिग्नल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा था जितना यहाँ मिल रहा है, तो फिर मैंने दोबारा इसको यहाँ लगा दिया। हमारी सेटिंग ऊपर कंप्लीट हो गई है, एशिया की ट्यूनिंग यहाँ एडजस्ट हो रही है, और जो फ्रिक्वेंसी थी वर्टिकल वाली 11,672 वो थोड़ी सी अभी भी वीक रहेगी, लेकिन मौसम चूंकि चेंज हो रहा है तो उस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है मिल जाएगा, अभी थोड़ा उसका ब्रेक हो रहा है तो वो मेंटेन नहीं हुआ, मेरी कोशिश बहुत की अपनी तरफ से, मैच का टाइम भी है तो मैं यहाँ तकरीबन 1:30 बजे का आया हूँ और 2:30 बज के 1 घंटा लग गया मुझे, ये देखें अब टाइम 2:45 जो है वो हो चुके हैं इस वक्त, तो ये ट्यूनिंग हो रही है, ट्यूनिंग वगैरह मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया है। आज पता क्या हुआ, आज मेरी अपनी वीडियो मेरे अपने गले पड़ गई, कैसे पड़ गई कि जब मैं करीब वाली घर की करीब वाली डिशें ठीक कर रहा होता हूँ तो उसमें मैं दिखा रहा होता हूँ कि मैंने 300 लिए हैं, 250 लिए हैं, 200 लिए हैं, तो आज जहाँ वही सीन हुआ, और 3-4 इलाके जो हैं वो छोड़ के आने पड़ते हैं, यहाँ वद्दे वाली में बहुत सफ़र है, एशिया सेट की उसके बाद वीडियोकॉन और फिर N66, खाली वीडियोकॉन के अगर कोई सेट करवाए तो 500 रुपये बंदा उसके लेता है, तो टोटल मुझे आके ये 600 रुपये 650 रुपये मिले हैं वीडियोकॉन समेत। तो वीडियोज़ देखते थे मेरी, कहते हैं जी आप 300 रुपये लेते हैं, आप हमसे जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 800 रुपये दें, तो ऐसा नहीं होता, हम भी आपको 300 ही देंगे। फिर मैंने उनको समझाया कि वो घर के करीब वाली वीडियोस हैं, मतलब मैं घर के पास होता हूँ तो वहाँ मैं इतने ले लेता हूँ, ये सिचुएशन है। दूर वाली जो डिश होती है उसके पैसे उस हिसाब से होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं जी।